आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि आज की व्यवस्था छोटी पड़ गई, उसके लिए आपको कष्ट हो रहा है, उसके लिए आप सबसे मैं अपने परिवार से माफी मांगता हूं। मैंने नो नहीं बेरा था, छोटा बुलावा भाई, इतना कुछ आ जाओगे तुम आशीर्वाद देने। अगली बार वादा करता हूं आपने यह कमी नहीं पाओगी क्या इस चीज की भी। और पहले कह दूं एक चीज और, भंडारा प्रसाद क्योंकि आज हवन करवाया है ऑफिस का, भंडारा प्रसाद भी ये मेरा थोड़ा थोड़ा खाइयो, सबके बाटा आ जा, वो भी थोड़ा पड़ता दिखे मैंने तो। मेरा मतलब है कि कोई बिना खाए नहीं जाचे, थोड़ा ले प्रसाद लेके जाओ, नहीं वैसे तो बोला ही कृपा है, लेकिन पहले माफी मांग लूं। या कमलेश फोन करके नुकेगी भाई उड़ा तो ब्रांड माटी हो गया, हमने गाल दंती की याद ध्यान मिल जाए को नहीं हलवा ना मैं तो मजाक करूं हूं। है ठीक है वो मैं कह दूंगा, वो आराम से लेवांगी, सारी आराम से लेवांगी, तुम आप पे खुआइयो और आप पे खाइयो, ठीक है आराम से। तो आज यहां इस दफ्तर के उद्घाटन पे आप सब मेरे एक बुलाए पर पहुंचे, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस प्यार और विश्वास के साथ आप यहां आज अपने इस बेटे और भाई को आशीर्वाद देने आए हैं, वादा करता हूं उस भरोसे को और उसको कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझसे पूर्व आज की इन सरकारों की, इस सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ग को आज इतना परेशान कर रखा है, बड़ी बड़ी बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कहते हैं कि मीटर बार लगवा लो 24 घंटे बिजली दूंगा, नहीं क्या करते ना, और सारे दिन वाह प्राण माटी, पूरी पूरी रात बिजली नहीं आती, ये हकीकत है। और ये मीटर मेरा ना कड़े तो पाकिस्तान से बनवा के लाए, कड़े तो लाए हैं, पहला बिल आया करता 200-150 रुपया का, एक मेरे ख्याल 1000 तक आठ तक किसी का बिल आता, 1000 तो 10000 ताई के बिल आऊ, ये हाल है हमारे इस मनोहर लाल जी का। हर रोज हर सप्ताह कोई ना कोई नया जुमला रुपये देगा, नई स्कीम ने पेल दे है, पाछलियां बंद कर दे, अगलियां चला दे। तो आज जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार के हालात प्रदेश के हर वर्ग ने, आज किसान भी परेशान है, आज युवा बेरोजगारी की वजह से परेशान है, आज कर्मचारी परेशान है, आज आशा वर्कर की मेरी बहनें परेशान हैं, आज युवा सीटी के नाम पर हर रोज उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे युवा परेशान हैं, आज डी ग्रुप जो हमारे पीएम एमएससी लड़के थे, बड़ी बड़ी बहादुरों की बात करते हैं कि हमने डी ग्रुप में इतने लगा दिए, हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को चपरासी बनाकर और उनको भी एक अलग लाइन में खड़ा करने का काम कर दिया इस सरकार ने। आज युवाओं का पढ़ने का मन नहीं करता, वो ये बात करने लगे कि पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी तो रही है नहीं। आज प्राइवेट सेक्टर की बात करें थे तो फैक्ट्रियां बंद करती, कोई नई प्लांट आता नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जो 75% की बात कर रहे हैं कहां से देंगे।
ये ऐसी सरकार है जिसको पता ही नहीं कि मेरे प्रदेश की प्रजा, मेरे प्रदेश की जनता का दुख और दर्द क्या है। हर रोज किसान की बात करते हैं, इनको यही नहीं पता किसान की तकलीफ क्या है। नहर का वार ही 3 दिन में खत्म करते हैं, शहर के बच्चे 1 हफ्ते का काम होना चाहिए। बीमा कंपनियों ने लूट मचा रखी है, किसी किसान को कोई बीमा का नुकसान का कोई वो भरपाई करने का काम नहीं करती, क्योंकि सरकार को मोटा पैसा कमीशन देते हैं ये लोग। आज गरीब के राशन कार्ड काट दिए, बुजुर्गों की पेंशन काट दी, एक फैमिली आईडी नाम का ऐसा बिच्छू छोड़ दिया है। अब वो किस्से का जाकर डक मारते हैं, उसका घरा रपिए 50 का, मैं उतनी दी उसकी इनकम बढ़ा दे है 5 लाख। 5 लाख बढ़ाती है, उस बूढ़ा है तो उसकी पेंशन गई, गरीब है तो उसका राशन कार्ड गया। सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। ये हालात है इस सरकार का, खट्टर सरकार का। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज ये हवन करके जो मैंने एक मंदिर की निर्माण की स्थापना की है, वादा करता हूं यहां से आपके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा आपके हक दिलाने के लिए। आपका ये बेटा, मैं बार बार आपसे मुझसे पूर्व भाई अनुराग आपको कह रहा था, अरे तुमने डरा दे हैं, कोई कब कहन लाग जा है, पहले वह टांगी आले बढ़ रहे थे रात में, अरे मगा आखिरी पावा पंजे तब मारा एक गायब काल जमा खोण लाग रहे, तम तो उसने पढ़न ते भी ताड़ करोगे के। आज आपके उस हालात में 15 दिन पहले चाचू पे आ करता, 1.5 साल पहले जो है दफ्तर खुलवा दिया अपने, देख के लागे खोल रखा है। अरे तब पड़ोस में आ गया, चिंता ना करो, इसी रोज इसकी रेल बनाए रखूंगा आड़ में। पहले तो दूर था कम ना था, अगर तब पड़ोस में आगे तो इसकी रेल बना दूंगा, चिंता ना करियो तुम। इनकाल थारा बहुत खून चूसा है इसने, थारे में वोट भी ली है, बोरी भर भर नोट भी लिया करता, नुकाया करता, इतना थोड़े दिए भाई, महेश बेच बेच के लोगों ने इस तरह कोई 51 का, कोई 71 हजार का। और जुलम की बात तो यह है, जो रिटायरमेंट होने को हो रखे हैं, जो कदे लाए होंगे चेयरमैन के तौर पे, उनकी भी जो है ना साल की एक पेंशन, एक तनख्वाह अपने नाम पर करवा हुआ है। लेकिन मैंने वह माला था बंद कर दी, इबकाल इनकी दुकान परमानेंट बंद करने का प्रोग्राम कर रखा है। अरे को मेरा मामा तो बावला होया अंडा है, ये बाप इतने दिन हंड लिया तो हमारी मामी ठीक गुड़गा मातने बढ़िया मौज करा करती, वहां छोड़ दी मैं आ गए, वहां गर्मी में दुखी होती आंडी जा बेचारी। तो आपको एक बात कहना चाहता, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, मेरी सोच सिर्फ आपको और आपका हक दिलाना, आपके बेटों को रोजगार दिलाने की सोच लेकर चलाना। इस प्रदेश से लूट और झूठ की, इस राजनीति की जड़ें उखाड़कर इस प्रदेश के किसान मजदूर के बेटे की सरकार बनाने का संकल्प लेकर चला हूं। इस प्रदेश के किसान मजदूर का वो बेटा जो गांव की तकलीफ को जानता हो, गांव में पड़ा हो, खेत में काम कर रखा हो, जिसने ऊर्जावान हो, जो बिकाऊ माल ना हो, उनको अपना आपका प्रतिनिधि बनाकर आपकी सरकार बनाने की सोच लेकर निकला है ये आपका बेटा, आपका ये भाई। और वादा करता हूं, ये लुटेरे राजकुमार जो भाजपा को जमुना पार के नाम की वोट लेके गए थे, और जमुना पार भाजपा तक को नहीं हुई, इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का जिम्मा जरूर लेके बुझू, इस प्रदेश को लूट लिया,
बड़ी बड़ी बात करते थे, किसान जैसी होने की बात करते थे, किसान का भला करने के लिए कृषि मंत्रालय को नहीं लिया, एक्साइज मंत्रालय लिया, शराब घोटाले करके अपने घर भरने के लिए, रजिस्ट्री घोटाले करे रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेकर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लिया, आपके यहां फैक्ट्रियां नहीं लगवाई, वह बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट बड़े दामों में बेचकर उनके साथ घपला करने के लिए, सड़क डिपार्टमेंट लिया, चाहता तो हजारों बच्चों को ठेकेदार बनाकर उनको काम रोजगार दे सकता था, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया इन राजकुमारों ने, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला 10% कमीशन पर ठेकेदारों उन कामों को बेचते हैं, अपना घर भरते हैं। बात करते हैं चौधरी देवीलाल की, और आज पूरे हरियाणा में उन्होंने हाहाकार मचा रखा है। आज जिस प्रकार का माहौल, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक राजघरानों की इस राजनीति दुकान को आप बंद नहीं करोगे, तब तक आपके बेटों का भला होने वाला नहीं है। मैं आपको यही बताने के लिए इस प्रदेश में निकला हूं, इस लोगों को जगाने के लिए। मेरा लक्ष्य एमएलए बनना, मंत्री पद पाना नहीं है। मंत्री पद तो मुझे ये भाजपा वाले पिछले 3 साल से देने लग रहे हैं। मेरे को पहले डराया, फिर मुझे लालच दिया, लेकिन आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपके आशीर्वाद और विश्वास को गिरवी नहीं रखेगा, उसका सौदा नहीं करेगा। भगवान ने मुझे मेरे बच्चों के लायक बहुत कुछ दे रखा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो गांव में पैदा हुआ था, सरकारी स्कूल में पढ़ा था, तड़के 4 बरोटे लाकर स्कूल में जा रहा, मैं शैनन हुआ के जोड़ में गोता मार के स्कूल में जाया करता। आज उस परमात्मा ने मेरी मौत कर रखी है, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए उसने कर रखा है। मुझे धन नहीं चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य चाहिए, उसको खुशहाल करने के लिए। एक पीस है, आप मुझे कहते हो कि कई बार मुझे उलाना मिलता है, भाई हल्के में कम रहा है, जींद में घना बढ़िया रहा है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं मैं क्यों जाता हूं जींद में, पूरे प्रदेश में। आप देखते होंगे आपका ये बेटा, आपका ये भाई विधानसभा में आपकी आवाज उठाता है, पंजा के तान खड़ा होकर लड़ता है, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं देता, अकेला पड़ जाता है ये आपका बलराज विधानसभा में। इसलिए निकला हूं इस प्रदेश में, इस प्रदेश से 10-20 बलराज कुंडू ढूंढने के लिए, ताकि ताकतवर बनकर इस लुटेरों की लूट बंद कर सकूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अकेला बलराज नहीं रखना चाहोगे मेरे वर्ग और ढूंढने की, मैंने ताकत छुट्टी दोगे तो यो लाना था नहीं, जो तम ना बोले नू ना ले, तम ना बोले मैंने छूट दोगे कि ना दोगे, आड़ा आड़ा सौदा जा तम करने रोगे, तो ये तो आप पर फटफड़ाएगा, थोड़े दिन में बैठे जाएंगे। मैंने अपने वर्गे 5-10-20 बलराज ढूंढ लेने दो, फिर देखियो अगर एक भी बिल आपके खिलाफ आपके बेटों के पास हो जाए तो मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये लुटेरे राजकुमारों ने तो इस सरकार को रिमोट कंट्रोलिंग को मिला था, अपने घर भरने के लिए यूज किया। मैं वादा करता हूं, मेरे पास जिस दिन वो रिमोट कंट्रोल आ गया, उस दिन वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, और आप अपने हिसाब तो उसके बटन दाबियो, ये वादा करता हूं। ये मेरे युवा खड़े हैं मेरे बराबर में, कॉलेज के हमारे छोटे बच्चे भाई बहन, ये हर रोज परेशान आज सड़कों पे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि नौकरियां खत्म कर दी हैं सरकार ने। आज ये इतना मानसिक रूप से इतने परेशान हैं कि आज इनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। मैं इसलिए निकला हूं इस प्रदेश में कि आपके बेटों को बचा सकूं, का भविष्य बचा सकूं, का भविष्य अंधकार में है। आज वो आपके बेटा बेटी
नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जब आसानी से नहीं मिलेगा तो छीनना पड़ता है। उस दर्द और पीड़ा को लेकर, मैं किसान की तकलीफ को देखकर, उस पीड़ा को लेकर, गरीब की गरीबी की पीड़ा देखकर, युवाओं की बेबसी भविष्य की चिंता को देख उनको देखकर, आज ये आपका बलराज इस प्रदेश से 20-30 बलराज ढूंढना चाहता है, उसके लिए इससे आपका साथ मांगता है ये बलराज। ये काम तब कर पाऊंगा मैं जब आड़े मैंने पूरी तरह फ्री कर दोगे कि आड़े की चिंता मत करिए, तो ढूंढ रहा माड़े मैं नाम संभालांगे। बोल करते हो ये वादा, उलाना तो नहीं दोगे गाड़े घाटा हुआ है। मेरे दौरे जब भी बैठू जब लाग जाए कहने भाई बार गणा रहो है आड़े कमा हुआ है। कहो बेटा इसने माल नहीं चाहिए, इसने तो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके गेटी में गुट्ठा दे दूंगा, थारे बड़का खिलाफ नहीं चालन दूंगा, वादा करता हूं इस बात के लिए। तो आज आप लोग आए, आज ये शुरुआत है। डॉक्टर महेश ने कही है इस दफ्तर से इस पूरे प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की वो चिंगारी फैलाऊंगा कि लूट और झूठ की दुकान बंद करने में आपका ये बेटा निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश को बचाने का काम करेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी बहुत होगी है, बोलना तो बहुत कुछ चाहूं था, बहुत बातें थी, अरे न तो कैसे